अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आज मैं अपनी पत्नी से, अपनी वाइफ से आपको मिलाने वाला हूँ। वो आपको बताएगी कि मैंने कैसे, मतलब मैंने इस्लाम तो अपनाया बेशक, और क्या सोचती है वो मेरे बारे में। जब हमारा निकाह हो रहा था तो उससे पहले वो क्या सोच रही थी, पहली मुलाकात हुई थी। तो आइए इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, मेरी पत्नी, आपकी भाभी, आपकी बहन, मिलिए पहले। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी लोग? शुक्र है कि आप सब खैरियत से ही होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इतना हमें सपोर्ट किया। मेरे शौहर को आपने तहे दिल से सपोर्ट किया, अब मेरे बेटे को भी आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हो। ये जा देख करके बहुत अच्छा लगा और बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी सब तो सब खैरियत ही है। रही बात इनके इस्लाम अपनाने पे और हमारी शादी को लेकर के, बहुत लंबी बात है, अभी कैसे बताऊँ आपको। फिर भी शुरुआत थोड़ी सी कर देते हैं। जब हम पहली बार मिले थे ना, तो मुझे तो ये बहुत अच्छे लगे थे, बट लेकिन जब पता चला था कि ये मराठी से अदर कास्ट से मुस्लिम बने हैं, तो थोड़ा सा हिचक हो रही थी कि हमारी जमेगी नहीं जमेगी। शादी को लेकर के फैमिली वाले भी यही समझा रहे थे, सबको पता था रिश्ता तो घर पे ही लेकर आए थे, बट लेकिन सब लोग ये बोलते थे कि लड़का अच्छा है लेकिन अभी दूसरे जात से अपने इस्लाम कबूल किया है, तो तुम लोगों का पता नहीं जमना नहीं जमना कैसा रहेगा, कब तक साथ कैसे रहेगा। पर अल्लाह करम से थोड़ी सी नोकझोंक स्टार्टिंग में हुई थी, थोड़ी सी दिक्कत हुई थी साथ में रहने में, स्ट्रगल करने में। जैसे कि इनको मेरी कुछ बातें अच्छी नहीं लगती थी, मुझे इनकी थोड़ी सी बातें अच्छी नहीं लगती थी, नोकझोंक बहुत होती थी इस बात को लेकर दो के। दो मिनट का झगड़ा हमारा रहता है, बाकी हम लोग लड़ते ही नहीं है हाँ, पहली ये है बात कि तो। हम लोग समझ जाते हैं कि नहीं, हमें हाँ समझना है, खत्म करना है इस बात को, लेकिन जी, है कि अब, लेकिन अब अल्लाह का करम से सब अच्छा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और रही बात आप लोग का इतना सपोर्ट जो मिला है ना, उसके लिए मैं क्या ही बोलूँ। इसलिए आज मैं सामने से आप लोगों से मिलने के लिए आई, क्योंकि आप लोगों का इतना सपोर्ट जो मिला मेरे बेटे को, तो मुझे ज्यादा खुशी हुई कि शौहर के साथ साथ में आज आप लोगों ने मेरे बेटे को भी बहुत सपोर्ट किया। जी बहुत बहुत दिल से शुक्रिया आप सभी का है। अब इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि आपसे हमेशा मिलूं, इजहार के जरिए हो या इनके जरिए हो, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि मैं। और मेरी बेगम साहिबा ने ईजान के नाम से चैनल भी बनाया है। चैनल बना के ये है कि ईजान को अपने साथ वो वीडियो में लाएगी, बातें करेगी आप लोगों से, फैमिली बेशक वीडियोस इंशाल्लाह रहेगी। जरूर। हाँ, एक हिसाब से ब्लॉगिंग वीडियो होगी, वो ब्लॉग करेगी घर के किचन के और बारे आप में। लोग से उम्मीद है कि आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे मेरे बेटे को, जैसे आप सपोर्ट कर रहे हैं मेरे शौहर को कर रहे हैं, तो फिर मुझसे चैनल को भी सपोर्ट देखो, करो, सब्सक्राइब करो, मैं ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ। तुम लोगों ने कितना फेमस किया है, मेरे पास प्रमोशन के लिए आई है तुम्हारी भाभी। तो बहुत खुशी है, और बात साथ निभाने की है तो बेशक अल्लाह ताला नवाजने के लिए तैयार है आपको। बस आप अपनी ऐसी नियत बनाओ ना नहीं, कि अगर मैं सबर का बोलूँ और अल्लाह पे भरोसा रखने के लिए बोलूँ, तो अगर इस दुनिया में जो भी बे औलाद है, तो बस इतना कहूँगी कि अपनी उम्मीद मत हारना। हाँ अगर अल्लाह पे भरोसा है कहीं भी, तो आप लोग कभी भी उम्मीद मत हारना। क्योंकि मैंने ना इन 8 साढ़े 8 सालों में कभी भी ये नहीं सोची कि हमें औलाद नहीं होगी। हाँ आप इनसे ये भी पूछना, मेरी मेरी वाइफ से, मेरी बेगम से ये पूछिए कि मैंने बच्चे को लेकर कभी तंग किया, औलाद नहीं हो रही कभी थी भी नहीं, जी। एक बार भी नहीं। मुझे वो दूसरे पूछते थे कि क्या हुआ, इतना टाइम हो गया शादी को, बच्चे नहीं। पर मेरे शौहर ने कभी मुझसे ये नहीं पूछा हमें बच्चे नहीं है क्या है, कुछ नहीं। उन्होंने ये बोला जब होगा ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है, अगर ऐसा तो हम अडॉप्ट करके एक बच्चे को अपने माँ बाप का ये बनेंगे। लेकिन टॉर्चर, अल्लाह के करम से मैं तो दुआ करूंगी कि सब लोग ऐसे ही रहे, कि अपनी बीवी को बे औलाद होने की वजह से टॉर्चर ना करे। तो तरह तरह की बातें होती थी, मैंने आपको बताया था कि मेरी वाइफ को क्या क्या नहीं बोला जाता था। और मेरा दोस्त सर्कल भी कुछ अच्छा नहीं है बाहर, जो मतलब पहचान वाले भी ऐसे हैं जो घर तोड़ने की बात करते हैं, जो सलाह भी ऐसी देते थे दूसरी शादी कर लो, निकाह कर लो, ये कर लो। लेकिन ऐसा था, हम दोनों के बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग है, और मेन बात हम हस्बैंड वाइफ तो है ही, एक अच्छे दोस्त भी है, तो हम लोगों की बहुत बनती है आपस में, बहुत ज़्यादा। हाँ, और मुझे बहुत संभाल कर लिया है इसने, क्योंकि बीच में मैंने बहुत सारी ऐसी गलतियां करी थी जिसके वजह से
मेरी बेगम को बहुत भागदौड़ करनी पड़ी थी, तो उस टाइम पे मैंने नियत कर लिया कि नहीं, अब अच्छे से रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और फिर मेरी फैमिली है, बात करती है, मेरी माँ से भी और मेरे पापा से भी बात होती है, तो और अच्छे से बात होती है उनसे। बस थोड़ी बहुत नाराजगी रहती है मेरे से, वो भी खत्म हो गई है, क्योंकि बेटा हुआ जब से सब, मतलब सब घर में ठीक हो गया है जी। और हम लोग एक दूसरे का काम में हाथ भी बटाते हैं, और बेशक ये हमारे नबी की सुन्नत है, हमारे प्यारे प्यारे नबी रसूल अल्लाह घर के काम काज भी किया करते थे, तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, अपनी वाइफ की हेल्प करना अच्छी बात है, करना चाहिए जी। तो मैं पहली बार मेरी वाइफ को वीडियो में लाया, और बेशक मैं कभी जोर जबरदस्ती नहीं करता, भले मैंने इस्लाम अपनाया, मैं इस्लाम को मानता हूँ, लेकिन मैं कभी मेरी वाइफ को ये नहीं बोलता कि आप ये पहनो वो पहनो, मैं वो सब नहीं बोलता, क्योंकि मैं क्या चाहता हूँ पता है क्या, दिन लोग दिल से अपनाए। अब देखिए एक बातें है ना, हर कमियां जो है ना हर इंसान में होती है, मेरी बेगम है, कुछ कमी इसमें भी है, कुछ कमियां मेरे में भी है, दोनों तरफ होती है ये बातें। तो कोई भी चीज है ना, जोर जबरदस्ती किसी पर थोपी नहीं जा सकती। अभी मैं बोलूंगा कि भाई बुरखा पहन लो, भाई आप ये पहन लो, क्या इस्लाम ये बोलता है कि आप दिल से अपनाओ, आप अगर ये चीज करना चाहते हो ना तो अपने दिल से करो, किसी पर जबरदस्ती नहीं। मेरे बेटे के हाथ पैर में भी मतलब वो सब पहनाए गए, लेकिन खैर उस नियत से हम पहनाए नहीं है, बेशक हम अल्लाह को मानते हैं। और मोहब्बत की बात है, देखिए अब जो आए थे हमारे रिश्तेदार आए थे, हम लोगों ने एक छोटा सा फंक्शन किए, तो फंक्शन में बहुत सारे लोग आए, तो उनकी दी हुई चीजें बस हमने एक मोहब्बत के तौर पे उसे पहनाई है, बाकी ऐसा कोई शेर तो हम करते ही नहीं है। मेन बात तो आगे सुनिए, क्या सुनना चाहते हैं आप, पूछिए सवाल। बहुत लोगों ने ये बोले कि बच्चे को इस तरीके की चीजें ना पहनाए। हाँ। नियत ऐसी नहीं है कि बच्चे, वो छोटा सा बच्चा है तो एक काली चीजें पहनाना, क्योंकि हर कोई हाथ में लेता है। हाँ। तो बस किसी की, जैसे कि ये नहीं बोलते कि किसी की नजरें बुरी होती है, बस लग जाती है। प्यार मोहब्बत से देखने वाले सब कहते हैं कि माँ बाप की नजर ज्यादा लगती है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम माँ बाप है तो हम अपने बच्चे को बुरी नजर से देख रहे हैं। तो हमारा कोई शिर्क इरादा नहीं है कि हम ये सब पहना रहे, ऐसा कुछ नहीं सोची आप लोग। और आप जानते ही है हमारी फैमिली मिक्सिंग है, आधे नॉन मुस्लिम है और आधे मुसलमान है। और मुझे इस चीज से कोई शिकायत नहीं है, मैं मुसलमान घराने से हूँ, ये हिंदू घराने से नहीं, मैं अपने ससुराल जाती हूँ, मिलती हूँ, उनके तौर तरीके के हिसाब से रहती भी हूँ, पर यह है कि मुझे वापस तो इधर ही आना है। बस मिलने जाने का मतलब ये नहीं होता कि मैं उनमें ढल गई हूँ, बस मैं उन्हें छोड़ के नहीं रह सकती, क्योंकि मेरे शौहर के माँ बाप है वो, तो मैं उनको भी छोड़ के नहीं रह सकती। ये जब भी मैं अभी बीच में ना, और मतलब मैं ड्राइवर था, तो मैंने बहुत सारे काम किए मेरी लाइफ के अंदर, और मेरी वाइफ से आप पूछिए मैं कैसे काम करता हूँ, आपको बताएगी। रात रात भर नहीं सोना, ऐसे ऐसे काम मिलते थे ना, उस काम में बहुत ज्यादा मेहनत होती थी। बीच में ऐसा होता था मैं अपने पिता को पैसे कभी कभी छुप के दिया करता था, अब हुआ ये कि पता चला इनको, तो ये हमेशा बोलती है मुझे, अपने माँ बाप को हमेशा सपोर्ट करो, भले तुम मुसलमान बन गए हो लेकिन वालिद तो वालिद होते हैं, और वालिद को तुम जितना सपोर्ट कर सकते हो उतना करो। शायद इन 8 सालों में उनके घर जाना, उनके लिए इन मोहब्बत दिखाना, शायद उसी का ही फल है इजाम। आज मेरा बेटा शायद उसी का फल है, मुझे उनसे कोई नाराजगी नहीं है। बस कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जात अलग होने की वजह से हम साथ नहीं है, बस साथ नहीं है बिल्कुल, बाकी हम अल्हम्दुलिल्लाह सब तरफ से खुश है। बाकी तुम्हारी भाभी ने मुझे दुआएं सिखाई है, बहुत सारी बातें हैं जो आधी अधूरी थी, मैं भी इतना अच्छा जानकार नहीं हूँ, बस तर्जुमा पढ़ा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि बहुत सारी चीजें। कोशिश रहेगी, कुछ दुआएं नहीं, सारी दुआएं सारी चीजें याद रहे, बिल्कुल बस कोशिश वही चल रही है, बस आप लोग दुआ कीजिए कि ये मुकम्मल तौर से सारी चीजें सीख जाए, कोशिश तो बहुत है। तो बस आज का ये एक छोटा सा ब्लॉग है, और इंशाल्लाह हम दोनों मियां बीवी ब्लॉग में रहेंगे, और हमारा प्यारा इजान, आपका भांजा, आपका भतीजा, आपका पोता फिलहाल बस सो रहा है, आपको इंट्रोड्यूस करवा देते दिखा देते, आइए आइए आइए, ये देखो सो रहा है। तो चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, और ढेर सारी बातें होगी, और बताएंगे आपको क्या हमारे बीच में कभी कोई झगड़ा वगड़ा होता है क्या,
होता भी है तो 2 मिनट का झगड़ा होता ये है। नेक्स्ट टाइम के लिए बाकी रहा। नेक्स्ट टाइम के लिए बाकी रहा। चलिए अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिए और मेरे बेटे को ढेर सारा प्यार दीजिए। चलिए अल्लाह हाफिज।